विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। बीजेपी ने इससे पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, थोड़ी देर बाद इसे वापस ले लिया गया। अब वो 15 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज दिल्ली में हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो आज भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच रांची में सीएम हेमंत ने कहा, मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो और हमें ताकत दे, लेकिन वो एक बड़े नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि उन पर टिप्पणी करना सही है। कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुंगुदीपा की जेल में सिगरेट पीते तस्वीरें वायरल होने के बाद कर्नाटक सरकार ने कार्रवाई की है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मामले में 7 जेल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही केंद्रीय जेल के अधीक्षक का तबादला किया गया है। रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुंगुदीपा के परंपराना अग्रहारा सेंट्रल जेल के अंदर सिगरेट पीते फोटो वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठकों का दौर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर सोगामी ने जानकारी दी है कि दोनों पार्टियों के सदस्यों की कई मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है। आज बैठकों का दौर खत्म होने की उम्मीद है। सीट बंटवारे के साथ किन इलाकों में किसका कितना वर्चस्व है, इस पर भी सीटों का बंटवारा तय होगा। हमारे बीच कोई तनातनी नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस मामले पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, यूपीएससी एनपीएस से भी बदतर है, जिसके तहत हर महीने कर्मचारी के वेतन का 10% काटा जाएगा और फिर पिछले 12 महीनों में से 6 महीने का वेतन काटा जाएगा। कर्मचारी को उसकी सेवा का वेतन दिया जाएगा। पेंशन सेवा का लाभ लेने के लिए 25 साल की सेवा का नियम बनाया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल की रुकी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को प्रतिमाह 6,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह अरोड़ा को पार्टी में शामिल कराया। बिहार का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि बिहार की बदहाली के जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं, और इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि किस हालत में नीतीश कुमार को बिहार मिला था ये सबको पता है। तेजस्वी यादव को अर्थशास्त्र का काखा गाघा समझना चाहिए। के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे विपक्षी दल की भूमिका भी चिंताजनक है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ गठबंधन करके धारा 370 और 35A को वापस लाने के अब्दुल्ला परिवार की भारत विरोधी मंशा का समर्थन करते हैं? जब जब देश में देश की एकता और अखंडता को तोड़ने और पाकिस्तान तथा आतंकवाद से हाथ मिलाने की बात आती है, तब तब कांग्रेस पार्टी इस सबसे आगे खड़ी नजर आती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में पंचेरी के डीडीसी जसवीर सिंह ने उधमपुर शहर में प्रेस वार्ता कर उधमपुर पश्चिम सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जसवीर सिंह का कहना है कि मैंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जेएनयू में छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने सहित अपनी मांगों को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल चल रही है। छात्रों की भूख हड़ताल के 17वें दिन छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई। छात्रों ने अपनी मांगों के प्रति विश्वविद्यालय पर एक गैर जिम्मेदार रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इससे पहले हड़ताल पर बैठे कुछ छात्र नेता बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं।